हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का घरेलू साइंस के एक और कमाल की फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, जैसे 12वीं से पहले 10वीं करना जरूरी होता है, उसी तरह पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 को देखना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 2 है मेरा उज्जैन ब्लॉग का। मैंने पहला वीडियो बनाया था जो कि उज्जैन फर्स्ट था, जिसके अंदर मैंने महाकाल के दर्शन करे थे, आप सभी को भी महाकाल जी के दर्शन कराए थे। आज का वीडियो मैं उज्जैन दर्शन के कर लिए जा रहा हूँ, जिसमें उज्जैन के हम सभी तीर्थ स्थल पर जाएंगे, जैसे भैरव जी का मंदिर। चलिए हम फटाफट से उज्जैन दर्शन के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप भी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। बाबू, ये लाइन का एंड मुझे दिख क्यों नहीं रहा? ये लाइन का एंड क्यों नहीं है? अनंत हो गई एक तरीके से। इतनी पब्लिक गाइस, यहाँ से वो आपको मंदिर के वहां तक जाना पड़ेगा। इनका नंबर 12 बजे से पहले नहीं आएगा। अब हम 4 बजे मंदिर के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर दर्शन करेंगे। मैं यहाँ पे सिंहस्थ में आया था एक बार। ओ गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो हिरण, गाय गाइस, वो देखो बंदर गाइस, ये देखो अमन। अरे मैं बंदर नहीं हूँ। भगवान जब दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, भक्तों की लाज बचाना, वो परमात्मा गरुड़ पे देख कर गए। ये मगर है, यो गज देखो, ध्यान दो। जब गज मने कहे हुए हाथी, ग्राहक मने कहे हुए मगर, मगर नहीं, गज मने जीव, जीव है अपुन, और ग्राहक कौन है? का जो मगर बोले वो काल है। तेना जीव और काल की लड़ाई चल रही है 10,000 वर्ष से गया, लगते लगते आखिर को इना जीव को काल का सामने हरना पड़ियो है। और एक दिन जो काल अपने खाई जाए, एक लिए ये भगवान ने ये गज और ग्रह की लड़ाई बताई। आ गए और ये हमारा 5 रुपये का टिकट वसूल। हम चाहे तो एक और 12वीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टिकट है वो अभी भी रखा हुआ है और वो अभी तक नहीं फटा है, ना उसे किसी ने चेक किया है। अभी टाइम हो रहा है 9:05 की देरी है। अभी हम यहाँ पर 4 बजे मंदिर के बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं थोड़ी देर, थोड़ा नाश्ता किया है, केक खाया बस जो मैं घर से लेके आया था। और अभी हम सब बैठे हुए, ये मेरा भाई सो गया, थक गया। इधर हेमंत का दिखा गया, हेमंत ये बैठा, अमन अच्छा अमन ये बैठा, हेमंत को रहा चश्मा लगा के बैठे हुए, सब मॉडलिंग कर रहे। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे उज्जैन दर्शन के लिए थोड़ी देर के बाद, आराम करने के बाद, क्योंकि रात को भी नींद नहीं हुई थी, अभी भी नींद आ ही रही है, थकान हो रही है बस। अभी हम आ चुके हैं माँ हरसिद्धि जी के मंदिर में।
सब बैठे हुए है यहाँ पर, हमको इस नदी के उस पार जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि अभी डैम से पानी छोड़ा है तो उसका पानी का जल स्तर कभी बढ़ सकता है, तो आप आगे मत जाइए, अभी रोक रखा है इन्होंने, अब पता नहीं उधर कब जाएंगे। भैरव बाबू जी के जा रहे हैं हम, काल भैरव जी के वहाँ पे, उनको हम थोड़ी वाइन वाइन पिलाएंगे अगर वो चाहे तो, देखते हैं अब क्या होता है वहाँ पे जाके, ये देखते हैं आगे क्या होता है। तो जा रहे हैं मंदिर, काल भैरव नाम का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है मंदिर है, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे मदिरा पान भी कराया जाता है भैरव बाबू जी को, उसमें कटोरे में बहुत सारी मदिरा पान किया जाता है। आज तक वैज्ञानिक तक पता नहीं लगा पाए कि मदिरा आखिर जाती कहाँ है, हम भी देखना चाहते हैं ये चमत्कार, इसलिए हम भी जा रहे हैं वहाँ पे मदिरा पान कराने, देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब कुछ बोलना चाहोगे? दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ, हम जा रहे हैं, कहाँ काल भैरव जी जा रहे हैं ना, हाँ वहाँ जा, वहाँ देख के जाने के पता चलेगा हमें वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और वहाँ पे क्या देखेंगे अपन, वहाँ मदिरा पान करेंगे और देखते क्या होता है वहाँ पे, ठीक है गाइस, ओके। दोस्तों हम आ चुके हैं काल भैरव जी के मंदिर पे, और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा था यहाँ पे भीड़ वैसे कम होगी मगर नहीं, यहाँ पे भी भीड़ अच्छी खासी तादाद में है। जी के दर्शन एकदम, मगर एक प्रॉब्लम आ गई लास्ट में आके, उन्होंने कहा कि आपका जो है कैमरा वो बंद कर लीजिए, इतने प्यार से कोई नहीं बोलता, एकदम ऐसे हाथ मार देते, हटाओ तुम्हारा कैमरा बंद करो, ऐसे एकदम तेजी से बोलते, मगर हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग, एकदम धीरे से सब बंद करा, छुपा लिया। दर्शन करने का अभी हम यहाँ पहुँचे है शिकंजी पीने के लिए, और अभी शिकंजी बन रही है, अब पिएंगे। भैरव जी के दर्शन किए, और अभी हम वापस भैरव जी के मंदिर के पास में, जस्ट एक यहाँ नदी है साइड में, आप देखना चाहो तो ये देखो, ये जस्ट यहाँ बहुत बढ़िया नदी है, यहाँ पे बहुत बढ़िया सीनरी है वैसे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आइएगा और फिर मस्त फोटो खींचेगा, बस इतना ही। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो भी ख़त्म नहीं, आगे भी विक्रांत भैरव जी के यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही शानदार व्यू है जैसा कि आप देख सकते हो, पीछे बहुत ही बढ़िया नदी है, लोगों क्या आदत है ऐसे घूर घूर के देखने की। हाँ तो हम कहाँ पर थे, हाँ तो बहुत बढ़िया व्यू है ये जैसा आप देख सकते हो पीछे, नवा वीडियो बनाते हुए फोटो खींचते हो हमारे विश्व भाई की, भैया सीख रहे हैं पता नहीं कहीं कुछ कर रहे हैं, अच्छा फोटो। दोस्तों मैं इतनी देर से कब से घूम रहा हूँ पूरी जगह पर उज्जैन में, मगर मेरे को कभी कहीं भी इतनी शांति नहीं मिली जितनी इस मंदिर के अंदर मिली है, और यहाँ का व्यू तो भाई साहब बहुत ही शानदार व्यू है। गाइस अभी हम भैरव जी के मंदिर से निकल गए, और फिर एक सती माता का मंदिर था वहाँ पे पहुँच गए थे, और वहाँ से भी निकल गए, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल, दोपहर की एक बजे ये गर्मी, एक ये लू से बचने के लिए मुंह पे साफ़ी बांध के बैठे हुए है, ये हीरो मॉडल बन के घूम रहे है, मगर इनको कोई भाव नहीं दे रहा है। All my friends are toxic, ambitionless, so rude and always negative. गाइस आप कभी भी आओ तो ये वैष्णो वेज ये रेस्टोरेंट पे जरूर आना, खाना बहुत शानदार है, एकदम घर जैसा खाना है, एकदम मजा आ गया खाना खा के। हमने ऑर्डर की थी यहाँ पे, एक 200 रुपये वाली एक प्लेट थी जिसमें 15 आइटम थे, सबने वही खाया, एकदम बढ़िया था सबने, उसमें एक खास बात थी, उसमें एक श्रीखंड था जो फेवरेट था मेरा। तो खाना कैसा लगा? सबसे शानदार, बजट सेगमेंट के अंदर सबसे शानदार खाना लगा, कुछ भी कितनी बार भी लो अनलिमिटेड खाना, बहुत मज़ेदार। आपको खाना कैसा लगा भाई? मज़ा आ गया, 3 प्लेट तो हमने श्रीखंड दबाए, 3 गुलाब जामुन दबाए, इसके अलावा तो 1 प्लेट दही बड़ा खाया, 1 प्लेट विशु भाई से नहीं खाया जा रहा था तो आधा आधा हुई, भावेश भाई और हम दोनों ने खाया उसको। भिंडी की सब्जी ठीक ठीक थी, मतलब पनीर और मटर पनीर से खाया, और आलू छोले की सब्जी को तो मैंने चखा भी नहीं, दाल लास्ट में थोड़े से चावल मंगाए तो उसके साथ में दाल खाई, बाकी कुल मिला के 200 रुपये पैसा वसूल खाना है, अगर आप भी चाहो तो आ सकते हो अपने गढ़कालिका मंदिर के जस्ट पीछे। हेमंत भाई आप जरा अपना
शेयर करेंगे। अरे भाई क्या ही कहे, मतलब 200 रुपए में अनलिमिटेड खाना, जा जितना चाहो उतना पेट भर के खाओ, अगर पेट ना फूटा फिर भी खाओ। भाई ये नया खरीदना पड़ेगा ना, मैं फोन जाएगा। A few moments later. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning. 2 hours later. तो दोस्तों वहाँ पे 2.5 घंटे से ज़्यादा का लंबा ब्रेक लेने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर हम सो ही गए थे मंदिर में। ब्रेक तो ये होगा सो गए थे। खाना खाने याद तो किसको नहीं आती, हमने खाना भी इतना मस्त खाया था तो हम सो गए थे। उसके बाद हम यहाँ से एक गुफा में जा रहे हैं, फिर से नाम भूल गया, बस वहाँ पर जा रहे है और अब देखते आगे क्या होता है। आदित्यनाथ यहीं पर आए थे क्या? तो गाइस, गाइस अब इतनी ज्यादा उमस है, बहुत ही ज्यादा, ये पूरा अंडरग्राउंड है। फोटो खींचना मना है, फिर भी खींच रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? पता चला गुफा में असली क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट महसूस हो रही, उमस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और एक तो यहाँ पे ये आगे बढ़ नहीं रहा कोई, एक पहले मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और वहाँ पे बाबा जी बैठे हुए, वो भी एकदम शांत, एकदम मस्त। बस हमें यहाँ से निकलना भाई जल्दी, बस निकलना है सब। तो एक मिनट भी और नहीं, पसीना तो भाई ऐसा टपक रहा है अभी। यहाँ पे दूसरी गुफा है, गुफा नंबर टू, गुफा नंबर टू। भाई सर बचा बचा के चलना पड़ रहा है। तेजस्वी लोग भाई, तेजस्वी लोग। अमन भाई मेरे को तो वाट लग रही है, चक्कर वक्कर नहीं आया मेरे को कहीं। यहाँ शिवलिंग है, हर हर महादेव। गाइस पसीना देखो, वाट लग रही है, पसीना देखो गाइस, बहुत ज्यादा अंदर घुटन टाइप है, पता नहीं कैसे तपस्या करते। अभी तो गुफा नंबर टू आई है भाई, वापस बाहर, अब आगे और जाना। बहुत ज़्यादा खतरनाक, ऐसा लग रहा था अगर 15-20 मिनट और रुकता तो मैं बेहोश हो जाता। पहली बार नीचे लिखा हुआ उसको मानना पड़ा कि यहाँ पे बैठना और रुकना मना। भाई कौन रुकेगा यार, मैं तो नहीं रुकूंगा। फूट गया इसका, इसके और मेरे सर पे, दोनों के सर पे चोट लग गई। पर्स में नानी जी के घर पे लगे हुए। ये देख रहे हो गाइस आप, इसका पूरी तरीके से मैंने उल्लंघन कर दिया। ये देखिए गाइस, ये मुझे बहुत बढ़िया कुत्ता लगा, मेरे को लगा आपको दिखाना चाहिए। क्या नाम है तेरा? कल्लू, कालू नाम है तेरा। भैया ने इसको डाले बिस्किट, खा लेना, है ना, मैं जा रहा नीमच, बाय। यहाँ के आप भी कभी उज्जैन आए तो यहाँ पे जरूर आना। क्या नाम है इस जगह का? ब्रदरी गुफा। क्या नाम है? और गुफा नंबर एक में जरूर जाना। हाँ गुफा नंबर एक में जरूर जाना, दो में बोली मत जाना, बट एक में तो जरूर जाना, फुल रिकमेंडेड, जरूर जाना उस गुफा में। मैं आगे निकल गया था फिर पता चला ये पीछे रुक कर कुछ ले रहे।
जैसा कि आप साइड के स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, बातचीत चल रही थी कि हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं यूनिवर्स से, तो हम 12 किलोमीटर लगभग पूरा चल चुके और 16,000 से ज़्यादा स्टेप हो चुकी है। स्क्रीनशॉट में आप साइड में देख सकते हो, अब इतना चल चुके हैं और तो भी कोई थकान वकान नहीं है, ज़्यादा चल रहे हैं बढ़िया से, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो रुक जाते थोड़ी देर, मगर यहाँ पर आने का जैसा टाइम बहुत स्लो स्लो बीत रहा। सुबह 6:30-6:30 बजे महाकाल के दर्शन हो गए, अरे संदीपनी आश्रम, बट अभी हम ये जब से कच्चे रास्ते पर आए हमको पता ही नहीं चल रहा ये सही में जाता भी है कि नहीं रास्ता संदीपनी। वही कार वाले कान के नीचे होने देते कैसे निकलते इनकी। A few moments later. ऐसे झाड़ी जंगल वाले रास्तों से तो हम जा रहे हैं, अब ये रास्ता जाता है कि भी नहीं, वैसे जाता तो होगा कहीं ना कहीं, देख लेंगे। सड़क पर चढ़ रहे हो, चल रहे हो और फिर अचानक पत्थर आया, तब ये करना जरूरी है। गाइस ये देखिए कुंड, ये कुंड की खासियत है कभी नहीं सूखता। अरे हे मंदिर के अंदर दर्शन करने, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट एक काम है, जूते उतारना। फाइनली दोस्तों 1.5 किलोमीटर का लंबा सफ़र पैदल तय करते हुए हम संदीपनी आश्रम पहुंच गए। सबसे इम्पोर्टेंट काम फिर से वही जूते उतारने का। खड़े हुए नंदी जी, हर हर महादेव। मैंने जितने भी कुंड देखे उसमें सभी एक भी मेरे को सूखा नहीं लगा, क्या सब में पानी तो रहता ही है। तो उन्हें आपको बाबाओं के ढोंग के बारे में मालूम है तो आप दो नाम से बिल्कुल वाकिफ होगे, एक तो आप सबको पता है और दूसरा ये वाला संत श्री डेडिटेस गुरुकुल आश्रम। गाइस अभी हम जा रहे हैं मंगलनाथ, बस बीच में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, पैदल ही जा रहे हैं। वहाँ से जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन, 7:15 बजे ट्रेन है, ट्रेन से सीधा 12 बजे तक नहीं मैं अच्छे खासे दर्शन हुए। चलिए हम आ गए हैं श्री मंगलनाथ मंदिर और अब सामने आपसे नजारा। काफ़ी ज़्यादा और बहुत ही बेहतर दर्शन हुए, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं, एकदम शांति से एकदम व्यवस्थित तरीके से। ये देखिए देखो कोई हर जगह आपको उज्जैन में हर जगह शिवलिंग दिखेगी, कहीं भी जाइए। जस्ट फ्रेंड अभी हम इधर आए मंदिर के अपोजिट साइड में तो हमें देखने को मिलता है ये फोटो, दिखाऊंगा आपको स्क्रीनशॉट में, ये अब आपके स्क्रीन में फोटो आ रहा होगा, बहुत ही शानदार है ये, वो बहुत ही बढ़िया है, तो है ना बढ़िया। नंबर अनु भाई कैसा लगा यहाँ पे? बहुत मज़ा आ गया भाई साहब, पता ही जहर मज़े, तुमको भी आए बहुत रबड़ा है, तुमको पूरा मार्केट में। आपके साइड में स्क्रीनशॉट आ रहा होगा उसके अंदर आपको पता चल गया होगा कितने किलोमीटर ने कितने स्टेप चल रहा हूँ, मेरे को अभी खुद को देखना पड़ेगा कितना होगा। Fueled by them to see the horizon, turn us
टेम्पो की राइड का मजा लेते हुए मैं, मेरा दोस्त मोहित, मेरा भाई अमन आगे है। हम फाइनली आ गए हैं रेलवे स्टेशन के। टिकट बुक है हमारी, उठते नहीं हमारे पास ऐसी बात। खुले था हमारे पास भी नहीं। गाइस हम सुबह आए थे, वो तो पता ही नहीं क्या था। कैसे निकल निकलेगा? ओ ये हमारे देश का प्यारा सा झंडा, डमरू बना हुआ है भगवान शिव का। और यहाँ सामने जो देखने को मिल रहा है भाई, ये हमारे देश का भविष्य है भाई, ये हमारे देश का भविष्य। A few moments later. All my friends are toxic, all ambition, they're so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me see. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying. ये चढ़े हम हमारे इस बाइक पे, इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फोन चार्जिंग है तो करे नहीं, हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाएंगे, फ्रिज लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। 48 नंबर उज्जैन नगरी को अलविदा करते हुए। गाड़ी रतलाम जंक्शन पे रुकी है और हम सभी अभी रुके हुए हैं नाश्ता पानी करने के लिए, देखते हैं कुछ क्या लेते हैं। गाइस अब नीमा जाने वाला है कुछ देर में, बस एक 5 मिनट में। अभी 12:30 बज रही है। रतलाम के बाद तो मैं सो ही गया था और अभी उठा हूँ बस। हमारे ट्रेन, हमारे ट्रेवल का सबसे बड़ा कुंभकर्ण ये रहा। अभी भी सो ही रहा हो तो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल घर साइंस। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। It's all about humanity.